खबर ये है कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। इस चक्कर को तोड़ना पड़ेगा, इस मसले का कोई ना कोई जो हल है ना, वो अब आपको निकालना होगा। ये कशीदगी मेरे ख्याल में नई नहीं है, काफी पुरानी है, और गायब ये कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, तो ये चपकलश तो चलती रहेगी। जो ताला उन्होंने लगाया है, एक तो सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है। मगर जितने गुस्से का वो इजहार कर रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी झंडे की पहले वैल्यू तो बनाइए। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है, वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद कर रहेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट। लेकिन जो खतरनाक बात पूरी दुनिया के लिए है वो ये है आरजू। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसे देख सुन के पाकिस्तानियों की सुलगी पड़ी है, और खबर यह है कि जर्मनी सरकार ने जर्मनी के अंदर, इनफैक्ट जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के अंदर एक मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया है, यानी इसको बंद कर दिया है, और उसका रीजन यानी कारण बताया है कि यह मस्जिद जर्मनी के अंदर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल था, यानी इस मस्जिद से इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाता था, जिसके ऊपर जर्मनी की सरकार की नज़र पहले से ही थी, और कुछ समय पहले ही जर्मनी इंटेलिजेंस के चीफ का वार्निंग भी आया था कि इस मस्जिद से इस्लामिक कट्टरपंथियों, खासतौर से ईरानियन रिजीम के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिस पर आखिरकार जर्मनी की सरकार ने, जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए इस्लामिक सेंटर के रूप में मशहूर इस मस्जिद के ऊपर ताला लगा दिया, यानी बंद कर दिया। और देखा जाए तो इसमें यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस धर्म के लोग, यानी खासतौर से जो पाकिस्तानी सोच के हैं, उन्होंने जो दुनिया भर के अंदर एक कट्टरतापन को जो बढ़ावा दिया है, उसे दुनिया अब महसूस कर रही है और देख भी रही है, और उसके ऊपर एक्ट भी कर रही है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर, हम बढ़े आज की न्यूज की तरफ, और दो तीन न्यूज है। इमरान खान जो है थोड़ा बैकफुट पे गए हैं, साथ ही जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई है, और मोदी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है। देखिए, इसमें खासकर इमरान खान साहब के हवाले से, इस वक्त उनको बावर होता जा रहा है कि 9 मई का जो वाकया है उससे बच नहीं पाएंगे। यहाँ पे इस वक्त कई खबरें चल रही हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 जो गद्दारी का केस है वो बनने वाला है। यही वो खान साहब है जिन्होंने हफ्ता पहले खुद कन्फेशन किया था कि मैंने लोगों से कहा था कि मुझे अगर गिरफ्तार किया जाए तो तुम जाके तो फौज के ऊपर, जीएच के ऊपर चढ़ जाना, जाके खुद कन्फेशन किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन उनको समझ आई कि ये तो मैंने गलती कर ली, उनके वकीलों ने समझाया, फिर यू टर्न मारते रहे। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू खान साहब का ये है कि वो कुछ मिच्योर नजर नहीं आते। सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 दिनों के अंदर 3 दफा मिनतें समाजित कर रही है। फिर लीमा बाजी ने मिनतें की थी, आज गंडापुर साहब ने न्यूट्रल की रिक्वेस्ट की है। न्यूट्रल बिलखसूब अब समझ नहीं आती, या तो कहते हैं ये चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जानवर बन जाए, क्योंकि खुद ये कहते रहे, बल्कि कुरान के हवाले देते रहे खान साहब। खान साहब ने कहा था कि आप, हमारा मजहब इजाजत नहीं देता किसी इंसान को भी कोई न्यूट्रल बन जाए, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज फिर ये कह रहे हैं 7 लाख फौजियों को कि तुम न्यूट्रल जानवर बन जाओ, मेरे तो समझ से बाहर है ये। लेकिन जो खतरनाक बात पूरी दुनिया के लिए है वो ये है आरजू कि यू आर, आपने पता नहीं कहने को आपने कह रखा है कि हम एटॉमिक पावर है, और एक ऐसा शख्स है जिसको, जो बिलीव करता है आज भी जिन्नात में, काले बकरों पे, काले जादू पे बिलीव करता है, सुबह कुछ कह के शाम को वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। 3.5 साल उसने ये चलाया इसी तरीके से सारे मुल्क को। अगर मजीद फ्यूचर में अगर उसको एटॉमिक पावर के एक्सेस दे दी जाए, दुनिया कितनी सेफ होगी? फिर दुनिया के लिए एक मसला होगा, सोचना होगा। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है, मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा उस पर आगे जो मैं, जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू कि जर्मनी के अंदर, हैम्बर्ग के अंदर
उन्होंने मस्जिद एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। हालांकि मैं यहां पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमका हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है हम भाग के निकले हैं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहां पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाति दबा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से नजर ना आना, यहां ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? और मस्जिदों के अंदर आरजू मैं ये हमबर्ग में उन्होंने जो किया है इसकी मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां ला के उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अगर उसके शवाहिद मौजूद है कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं उसको बैन करना, उन्होंने बच्चे नहीं बचाने अपने। मैं अमेरिका के बारे में बताना चाहूंगा, एक मस्जिद यहां जहां मैं बैठा हूं यहां से 50 मील के फासले पे, उस मस्जिद के अंदर मुमताज कादरी साहब का उर्स मनाया गया। फिर ऐसा ऐसा इस्लाम मैंने अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस होते देखा है जो आपने जिंदगी में कहीं नहीं देखा होगा। कई मस्जिद है वहां लाइटें बंद करके तो वो अपना विरत शुरू कर देते हैं, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कहते हैं ये जिक्र की नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। खबर ये है कि जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहां पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक थे, खास तौर पे हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद है, कारी साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी मुसलमान है वहां पे हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए इस्लाम ने तो गालिब आना है और गालिब आकर ही रहेगा, यह गालिब आने की निशानी है। इस्लाम गालिब इसीलिए तो वो डरते हैं ना, अच्छा, कि कहीं इस्लाम जो है वो हमारे बच्चों तक ना पहुंच जाए। मसलन कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई दहरिया है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, हाँ। वो ये नहीं चाहता कि ये लोग इस्लाम की तरफ चले जाएं, जबकि इस्लाम एक दीन का मजहब है। इस्लाम आपको अल्लाह ताला से मिलाता है, रसूलुल्लाह से मिलाता है, जन्नत में लेके जो ताला उन्होंने लगाया है, हाँ। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खबर नशर होती है पसे पर्दा चीज होती है वो कुछ और होती है। मुसलमानों पर मुसीबतें आनी है, फिर देखें हदीस पाक, लेकिन एक साइड पे हम ये कहते हैं आप अभी कह रहे हैं मुसीबतें आनी है, एक साइड पे हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो उनसे एक दिन आएगा कि पूरे इस्लाम का कब्जा पूरी दुनिया। बेटे अलग चीज है, ठीक है, मुसीबतों को झील कर आगे कामयाब होना ये एक फितरी चीज है और ये होना ही होना है। सबसे पहली बात जो आपको मैं अर्ज कर चुका हूं कि दीन इस्लाम अपने अंदर एक पूरी ताकत और कुव्वत रखता है, ठीक है, इसने अपना आप जाहिर करके ही छोड़ना है।